अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर डिस्टिकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि पेपाल में अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर या एड्रेस वगैरह, तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। बहुत सिंपल और ईजी ऑप्शन है, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके नाम में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है दो लेटर की, तो तब तो आप उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे मेरा नाम पर्सनल मोहम्मद ताहिर है, अब मोहम्मद ताहिर को चेंज करके अगर मैं वहाँ पर मोहम्मद शाहिद करना चाहूँ, तो उसके लिए एक जो है लंबा प्रोसेस होता है। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे नेम चेंज के लिए, तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। बाकी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए, सिंपल ऑप्शन ये है कि पेपाल में अगर आप जाएंगे यहाँ से, तो आप सिंपल ये मेरे पास सऊदी अरब का जो बिज़नेस अकाउंट है, तो यहाँ से हम प्रोफाइल सेटिंग में अगर क्लिक करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन आती है यहाँ पर डेटा एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन की। ये देख लीजिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ डेटा एंड प्राइवेसी, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप जब जाएंगे तो आपके पास कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह मजीद आ रही है। इसमें आपके पास देखिए कुकीज़ है, सर्च एंड प्राइवेसी या ब्लॉक कॉन्टैक्ट्स है। अगर थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास मजीद इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। देखिए, डाउनलोड योर डेटा, मैनेज योर डेटा की जो आप सेक्शन है इसके नीचे, और यहाँ लिखा है नीचे ये एक ऑप्शन है सेकेंड वाला कि करेक्ट योर डेटा, यानी कि चेंज और अपडेट योर पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का आपके पास ऑप्शन है। आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो आपके पास एक नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ पर ये देखिए करेक्ट योर डेटा है। तो इसमें आपके पास फिर बिजनेस इन्फॉर्मेशन अपडेट करने का ऑप्शन है, आपके पास अकाउंट ओनर इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है। आप जो सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि अकाउंट ओनर इन्फॉर्मेशन, तो इसमें आपके पास ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिव्यू और अपडेट योर पर्सनल इन्फो सच एज नेम, एड्रेस, ई मेल एड्रेस, फोन नंबर और टैक्स आई डी। तो यहाँ पर आप गो टू अकाउंट ओनर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर दें, तो आपके पास एक नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ पे आपके पास तमाम डिटेल्स शो होती हैं आपकी, जहाँ आप उनको अपडेट कर सकते हैं, ये वाला पेज। अगर आप देखें नॉर्मली सिंपल मैं आपको दिखाऊंगे बिजनेस अकाउंट में, ये अकाउंट सेटिंग्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है, जब आपके पास नाम वाला जो ऑप्शन है यहाँ, तो इसमें भी आपके पास ये आपकी यहाँ देखें ये पेज आता है, और यहाँ नीचे आपके पास है बिजनेस प्रोफाइल के अंडर अकाउंट ओनर इन्फॉर्मेशन। जब आप इसके ऊपर भी क्लिक करते हैं, तो आप सेम इसी पेज के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले अगर आपने नाम चेंज करना है, तो आप ये देखिए पहला ऑप्शन नाम वाला है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मद ताहिर, तो मैं यहाँ पे चेंज के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ, मेरे पास यहाँ पे ये देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए, ये ऑप्शन आ रहे हैं एडिट नेम के। तो लेट अस नो वाई यू आर चेंजिंग योर नेम। तो पहला ऑप्शन है कि यू हैव चेंज योर लीगल नेम, के आपका जैसे लीगल नेम है वो चेंज हो गया है। फिर ठीक है, योर नेम इज़ इनकरेक्ट, नाम की गलती है। या फिर योर बिजनेस नेम हैज़ चेंज, तो अगर आपका जैसे बिजनेस अकाउंट है और आपका बिजनेस नेम चेंज हुआ है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप वो बताएंगे। अब सेकंड ऑप्शन जैसे है कि जी योर नेम इज़ इनकरेक्ट, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, और कंटिन्यू के ऊपर अगर हम क्लिक करें, तो यहाँ देखिए हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है एडिट नेम का, और पहला जो पैराग्राफ है इसको अगर आप गौर से पढ़ें कि यू कैन मेक अ माइनर चेंज इफ़ इट्स टू लेटर्स और फ्यूर, जैसे कि ये ताहिर की स्पेलिंग है TAHIR, और यहाँ पर अगर गलती हो गई तो मैं TAHAR ताहिर करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको इजिली कर सकता हूं क्योंकि ये एक लेटर है। इसी तरह से अगर दो लेटर होंगे तो आप उसको भी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गौर से पढ़िए कि यू कैन सेंड अस डॉक्यूमेंट्स दैट शो योर लीगल नेम, ठीक है, यहाँ पे ये कि फॉर अदर चेंजेस, तो यहाँ पे सेंड अस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। फिर आपको जैसे अगर मोहम्मद शाहिद से मोहम्मद ताहिर करना है, या पूरा नेम ही आपका चेंज हो रहा है, तो आपको जो भी पेपाल की रिक्वायरमेंट होगी लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, आपने वो यहाँ पे इनको प्रोवाइड करना है, तब आपका ये मसला रिजॉल्व होगा, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। तो मैं यहाँ पे फिलहाल चेंज नहीं कर रहा, आपको सिर्फ मैंने गाइड कर दिया। दोबारा से यहाँ पे देखिए हम बैक जाएं, तो इसके अलावा अगर आप अपनी ईमेल अपडेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है ईमेल वाला, अपडेट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से अपनी ईमेल आप चेंज कर सकते हैं। अपडेट के ऊपर मैं सिंपल दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देख लीजिए कि ये एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको यहाँ पर ये प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना होगा, और यहाँ से आपने अपनी नई ईमेल इंटर करनी है और एड ईमेल एड्रेस पर क्लिक कर देना है। फिर पेपाल आपको एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा आपकी ईमेल पे, उसको ओपन करें, उस ईमेल को वेरीफाई करें। जब आपकी सेकंड ईमेल जो आपने ऐड की है वेरीफाई हो जाएगी, तो यहाँ पे आके सेकंड ईमेल को आप प्राइमरी कर दीजिए, और फिर ये पहले वाली ईमेल आप इसको डिलीट करना चाहें या इसको रखना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा दोबारा हम जाते हैं यहाँ से सेटिंग्स में, फिर हमारे पास देखिए यहाँ पे फ़ोन नंबर अपडेट करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये सऊदीया के पेपाल में मैंने USA का फ़ोन नंबर लगाया हुआ था, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये देखिए अपडेट के ऊपर क्लिक करें, फ़ोन नंबर अपडेट करना चाह रहे हैं, तो फिर भी आपके पास यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा कि आपने जो भी नंबर लगाना है वो आप यहाँ पे नया नंबर भी लगा सकते हैं। वर्चुअल फ़ोन नंबर्स का काफ़ी ज़्यादा मसला आ रहा है पेपाल के साथ, पहले तो वो इजीली लग जाते थे। मैं डिंगटून एक एप्लीकेशन है वो यूज़ कर रहा था, लेकिन अगर आपके पास कोई और नंबर है तो आप वो भी लगा के ट्राई कर सकते हैं।
अब यहाँ से दोबारा हम जाते हैं अकाउंट सेटिंग्स में और मजीद ऑप्शन भी हम देख सकते हैं। कभी कभार हमारे पास थोड़ा नेट की वजह से मसला आता है और वर्चुअल नंबर की वजह से भी मसला आता है, जो जैसे कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। इसी तरह से अगर आप एड्रेस भी अपडेट करना चाहें तो यहाँ सेटिंग्स में जाके आप अपना एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर ताऊ सिटी के चैनल से। अल्लाह हाफिज़।